आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमसे पूछा गया है डिफाइन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, और हमें बताना है ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। मतलब सरफेस इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट at the surface of the liquid towards each other। ओके, समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। असल में जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी एक आपके पास में कोई लिक्विड है, ठीक है, वो ऐसे अब इसके अंदर बहुत सारे जो इसके अंदर बहुत सारे वो होंगे मॉलिक्यूल्स। ये क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या करता है कि इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक दूसरे की तरफ कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये एक दूसरे की तरफ सब टेंड करेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, एक इसकी जो लेयर है, जो मतलब जो ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर अंदर की तरफ से स्ट्रेचिंग फोर्स आएगा। मतलब इसको अपनी तरफ क्या कहते हैं, जो ये मतलब ये जो एक तरीके से शील्ड बनेगी, ये अपनी खुद को एक सेंटर की तरफ पॉइंट करने की कोशिश करेगी, है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स होता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब जैसे अगर इसकी जो लेंथ है वो 2πr हो जाएगी, क्योंकि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है r है, तो वो क्या हो जाएगा, l की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2πr। ऐसे हम किसी भी सरफेस की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो सम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं सरफेस एनर्जी क्या होता है। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज द इक्विवेलेंट अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। It is the equivalent attractive force present between the molecules at the surface of a solid substance। ठीक है, मतलब इससे हम ये कहना चाहते हैं ये सरफेस एनर्जी क्या होता है, ये एक इक्विवेलेंट अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, मतलब इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, सरफेस टेंशन की, ये एक इक्विवेलेंट अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। मतलब इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या आएगी, टेंशन। इसको मैं इसके साथ इस यूनिट में कैसे निकाल सकते हैं, टेंशन पर इनटू एरिया, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। मतलब टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ इनटू एरिया। मतलब इसकी ऐसा यूनिट जो है जूल आ गई। और टेंशन की देखते हैं ऐसा यूनिट क्या आएगी, टेंशन की ऐसा यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। जैसे कि जो तो इसका जो रिलेशन होगा जो इसी लाइन में दे रखा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ओके, आई होप आपको जो ये क्वेश्चन दे रखा है वो समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी
और हमें इसके बीच में रिलेशन बताना है। सबसे पहले हमने सरफेस टेंशन के बारे में बताया कि सरफेस टेंशन क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि सरफेस से प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिक्विड के, ठीक है, और वो ये एक दूसरे की तरफ टेंड करता है। और इसका इसका रिलेशन क्या होता है, सरफेस टेंशन बराबर एफ अपॉन एल, जिसकी एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। फिर समझते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का क्या होता है, ये एक इक्विवेलेंट अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है। वहां फोर्स था, यहाँ इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका जो फोर्स है वो हमें हम हर एरिया के हिसाब से निकालेंगे ना, जो सरफेस एनर्जी है वो हमें हर एरिया के हिसाब से निकालना है। तभी यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, इक्विवेलेंट से मतलब समझे कि सरफेस टेंशन इनटू एरिया, क्योंकि हर एक मतलब जो एनर्जी आ रही है पर एरिया में कितनी आ रही है, इट इज द इक्विवेलेंट अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट सरफेस ऑफ ए सॉलिड, समझते हैं, ठीक है। और ये इसका हमने रिलेशन निकाला, तो इसकी जो हमें एनर्जी मिली, जो सरफेस एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट आई वो कितनी है, जूल, ठीक है। और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में रिलेशन क्या है, एस इक्वल्स टू टी इंटू ए। यहाँ पे सरफेस एनर्जी एस जो है वो क्या है, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये टी क्या है, सरफेस टेंशन और एरिया, ये ए क्या है, एरिया, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।